जरुआखेड़ा के जैन संत निवास में इन दिनों ज्ञान गंगा प्रवाहित की जा रही है। यहाँ पर पिछले 2 माह से ज्येष्ठ आरिका संभव मती माता, आरिका वरद मती माता और रजत मती माता ठहरी हुई हैं, जिनके सानिध्य में रोज सुबह से अभिषेक और शांति धारा से दिन भर धार्मिक अनुष्ठानों को किया जाता है। आरिका संभव मती माता जी ने संबोधित करते हुए कहा कि व्यक्ति को हमेशा धर्म से जुड़े रहना चाहिए और मंत्रों का उपयोग करना चाहिए। साथ ही कहा कि व्यक्ति कितना भी धन संपदा वैभव से संपन्न हो, यदि वह चरित्रहीन है या सामाजिक प्राणी नहीं है तो सब बेकार है। मूर्ख और स्वार्थी व्यक्ति कभी किसी को सुखी नहीं देख सकता है। ये 42,000 वर्ष किसके और सर्पणी काल के, और 42,000 वर्ष है कितने उसके सर्पणी काल के, ये व्यतीत होने के बाद में एक कोड़ा कोड़ी सागर तक धर्म रहता है। फिर उसके बाद धर्म क्या क्या हो जाता है, तो सर्पणी काल कितने का है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक सर्पणी काल है और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का और सर्पणी काल है, तो इन दोनों को मिलाकर के 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। कल्प काल का नाम सुना होगा, सुना ना, ना? तो एक कल्प काल होता है। माता जी के यहाँ चौमासे होने से जरुआखेड़ा के ग्राम जैन समाज और अन्य दीगर समाज जरुआखेड़ा के समस्त ग्रामवासी यहाँ धर्म लाभ ले रहे हैं और धर्म की प्रभावना बढ़ रही है और नई नई चीजें माता जी जो हमको सिखा रही हैं हम लोग सीख रहे हैं। प्रवचन में, आहार चर्या में, नित्य क्रियाओं में सारी समाज के लोग धर्म लाभ ले रहे हैं और सभी लोग प्रतिदिन समय से भैया लोग, महिला मंडल, पुरुष सभी लोग धर्ममय वातावरण में सहयोग कर रहे हैं। और अभी जैसे कि परिवेक्षण पर्व पर हमारे यहाँ एक शिविर का भी आयोजन माता जी कर रही हैं, ये पंचमी से शुरू हो जाएगा, उनकी सानिध्य में ये शिविर 10 दिन तक चलेगा, उसमें अधिक से अधिक संख्या में लोगों का हमारे महिलाएं, पुरुष, बच्चे भारी तादाद में भाग ले रहे हैं और धर्म लाभ। जरुआखेड़ा से मनोज राय, सागर टीवी न्यूज़।